कंपनी में भीषण आग, कूलर की घास बनाने वाली कंपनी में लगी आग, आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी आग की चपेट में आए, घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा नजदीकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया। आग इतनी भयानक थी कि आसमान में छाए काले बादल, भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा के छपरौला NH-91 बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला। आज दिनांक 31 मार्च को प्रातः 5 बजे फायर सर्विस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना बादलपुर क्षेत्रांतर्गत विस्नौली ग्राम की एक फैक्ट्री में आग लगी है। तत्काल वहां पर 4 फायर के टैंकर भेजे गए। वहां पर जाने पर ज्ञात हुआ कि ये आग कूलर के पैड और घास बनाने की एक फैक्ट्री में लगी थी। आग काफ़ी विकराल थी। फायर सर्विस की यूनिट ने इसे बुझाना प्रारंभ किया और इस दौरान फैक्ट्री में फंसे लगभग 2 दर्जन लोगों को बचाया गया, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग पूरी तरह से नियंत्रण में है, किंतु अभी बुझाने का कार्य चल रहा है। टिन शेड गिर गया है जिसके कारण नीचे आग सुलग रही है। घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जैसे ही आग पूरी तरह से बुझा ली जाती है, अन्य बिंदुओं पर जांच की जाएगी।